गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं क्वांटम डीबी आईटी सॉल्यूशंस। दोस्तों, हमने एचटीएमएल खत्म कर लिया है और आज से हम पढ़ेंगे सीएसएस। सीएसएस में भी हम पढ़ेंगे सीएसएस 3, जो कि लेटेस्ट वर्जन है सीएसएस का। सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है सीएसएस। देखिए, सबसे पहले आता है वाई लर्न सीएसएस। हम सीएसएस सीखें क्यों? सीएसएस क्या काम आती है? सीएसएस काम आती है स्टाइलिंग करने के लिए। कोई एचटीएमएल फाइल है, उसकी स्टाइलिंग करेंगे तो सीएसएस से होगी। वेबसाइट को अगर रेस्पॉन्सिव बनाना है, रेस्पॉन्सिव का मतलब कि अभी तक जो हम वेबसाइट देखते थे वो लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या किसी टेबलेट पे देखते थे, तो वो वैसी ही आती थी जैसे हमको एक जगह दिखाई देगी, और उतना मज़ा नहीं आता था उसको देखने में अगर मोबाइल पर भी देखें या किसी पर भी देखें। रेस्पॉन्सिवनेस से क्या होता है कि वेबसाइट आपको लैपटॉप पर अलग दिखेगी, डेस्कटॉप पर अलग दिखेगी, टैबलेट पर अलग दिखेगी और मोबाइल पर अलग दिखेगी। मतलब हर एक स्क्रीन साइज के लिए अलग अलग वेबसाइट का आपको लेआउट दिख जाएगा, और ये सब होता है मीडिया क्वेरी से, जो कि सीएसएस 3 का एक फीचर है। एनिमेशन ऑफ वेब पेज, ये भी सीएसएस 3 का एक नया फीचर है, जो कि हम एनिमेशन कर सकते हैं वेब पेज पे। एनिमेशन का मतलब ये नहीं कि आप कार्टून चला रहे हैं, एनिमेशन का मतलब ये कोई भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपको चेंज करना है, कुछ चलाता हुआ दिखाना है, तो उस तरीका वेब पेज का एनिमेशन। 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ HTML। HTML की जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका 2D या 3D ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको 3D में दिखाना है, तो वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्स का, HTML के एलिमेंट्स का CSS में। मेक वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट, वेबसाइट का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको फास्ट करना, ये सब सीएसएस से हो जाता है। कैसे होता है देखिए, देखते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे देख लीजिए एक फाइल सीएसएस की है और यहाँ पे काफ़ी सारी फाइलें एचटीएमएल की है। अब होता क्या है, हमने एक फाइल लिखी सीएसएस की और सबको उसी फाइल को सारी एचटीएमएल फाइल से लिंक कर दिया, तो जो जो फाइल में होगा उसमें सीएसएस की फाइल में वो सारा एचटीएमएल की फाइल में आ जाएगा। मतलब आपको एक जगह चेंज करना है और वो चेंज हर जगह हो जाएगा। ये होता है सीएसएस का फायदा, और ऐसे ही वेब डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट होता है इससे। देखिए, हमको हेडर और फुटर हमको सेट करना है, लेकिन जो हेडर और फुटर होता है वो सारी फाइलों में एक जैसा ही होता है। तो हमने एक सीएसएस की फाइल बनाई, उसमें हेडर और फुटर सेट किया, और उसी सीएसएस की फाइल को हमने सारी एचटीएमएल फाइल्स में जाके लिंक कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारा काम आसान हो गया, वरना हमको हर एक फाइल एचटीएमएल की फाइल खोलनी पड़ती, फिर उसमें चेंज करना पड़ता। हमने एक सीएसएस फाइल बनाई और उसको सारी फाइलों में जाके लिंक कर दिया। ये हो गया हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन सीएसएस। चलिए मैं आपको एक छोटा सा चेंज करके बता देता हूँ सीएसएस में कि कैसे होता है, क्या होता है। हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारी फाइल में, ये मैंने खोल लिया सब लाइन, ये मेरी एक एचटीएमएल की फाइल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पर मैं आपको दोबारा लिख के एक बार बता देता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लगाऊंगा स्टाइल टैग, STYLE स्टाइल टैग, ये चालू किया और ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा मेरी सीएसएस, वो सीएसएस हमको लिखनी होती है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, स्पेस दिया, यहाँ मैं लिखता हूँ कलर, COLOR कलर लिखा मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया कॉलन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने GREEN ग्रीन। ठीक है, ग्रीन, और मैं नीचे आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने दे दिया 150 पिक्सल्स। ठीक है, अब देखिए जो कलर होगा वो पूरे टेक्स्ट का ग्रीन हो जाएगा और ये 150 पिक्सल हो जाएगा सबका, लेकिन यहाँ पे मैं H1 भी लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया H1, यानी कि जो भी H1 के अंदर है केवल वही होगा, यानी कि जो क्वांटम डीबी आईटी सॉल्यूशंस लिखा हुआ है H1 के अंदर केवल इसी पे ये सीएसएस काम करेगी। ठीक है, पहले मैं आपको सिंपल चला के दिखा देता हूँ ये फाइल कैसी दिख रही है बिना सेव किए। तो हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, ये हमारी book.html की फाइल है, इसको मैंने चलाया तो ये अभी तक तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्वांटम डीबी आईटी सॉल्यूशंस आपको ऐसा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा वापस मेरी फाइल में, मैंने फाइल को सेव किया, अब मैं आया, अब मैं रन करूँगा, देखिएगा ये देखिए जो पर्पल में था वो ब्लू हो गया, वो ग्रीन हो गया सॉरी, और देखिए कितना बड़ा हो गया ये। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा भी करता हूँ तो भी ये कितना बड़ा रहेगा, देखिए ये नॉर्मल साइज है मेरी,
कर क्या मैंने, ये देखिए अभी भी ये 150 पिक्सल्स के अंदर है, ठीक है 120 पिक्सल्स के अंदर है। तो ये होता है सीएसएस चेंज, ये चीज मैं करना बताऊंगा आपको अगले ट्यूटोरियल में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू।